स्कूल में खुला HPCA का क्रिकेट ट्रेनिंग सेंटर HPCA जॉइंट सेक्रेटरी विशाल शर्मा रहे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित। प्रदेश में 70 अकेडमी खोलने का था लक्ष्य, जिला कांगड़ा को हुई थी 16 अकेडमी अलॉट। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरके हिमाचल न्यूज, मैं रमन राणा हाजिर हूँ दिन भर के कुछ ताजा अपडेट के साथ। विधानसभा फतेहपुर के एंजल्स कॉमेट स्कूल देहरी में HPCA क्रिकेट ट्रेनिंग अकेडमी का शुभारंभ किया गया। उद्घाटन समारोह में HPCA के जॉइंट सेक्रेटरी विशाल शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इससे पहले एंजल्स कॉमेट स्कूल की चेयरमैन बिंदिया ठाकुर ने सरस्वती माता के आगे दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत की। अकेडमी का शुभारंभ करने पहुंचे मुख्य अतिथि विशाल शर्मा ने बताया कि इस स्कूल में जिले की 16वीं क्रिकेट अकेडमी खोली गई है। हिमाचल में हमारा लक्ष्य 70 अकेडमी खोलने का था, जिसमें से जिला कांगड़ा को 16 अकेडमी अलॉट हुई थी, उसमें से आखिरी अकेडमी एंजल्स कमेंट स्कूल देहरी में खोली गई है। उन्होंने बताया कि 10 साल से लेकर 16 साल के बच्चे, चाहे वह स्कूल से हो या बाहर से, सभी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। उन्होंने सभी से अपील करते हुए कहा कि बच्चों को नशे से दूर रखते हुए खेलों की तरफ ज़्यादा लगाएं, ताकि हमारी भावी पीढ़ी नशे से दूर रहते हुए आगे बढ़े। वहीं एकेडमी में पहले ही दिन 100 से ज़्यादा बच्चों ने ट्रायल दिया। इस अवसर पर जिला कांगड़ा सचिव अशिम अग्रवाल, जिला कांगड़ा एसोसिएशन राजेश्वर सिंह, स्वरूप सिंह, नितिन व स्कूल प्रशासन समेत अन्य लोग भी उपस्थित रहे। बता दीजिएगा जब। नमस्कार, आज हमारे स्कूल एंजल कॉन्वेंट स्कूल में क्रिकेट HPCA क्रिकेट सब सेंटर का उद्घाटन हुआ श्री विशाल शर्मा जी के हाथों, और हम बहुत खुश हैं कि हमारा स्कूल एक माध्यम बन रहा है बच्चों को क्रिकेट की अपॉर्चुनिटी के लिए। बिकॉज़ यहाँ रिमोट एरिया के बहुत सारे बच्चे आते हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो उसको ग्रैब करें और अपने रीजन का, अपने पेरेंट्स का, स्कूल का नाम रोशन करें। और आज विशाल शर्मा जी बता रहे थे कि ये इस एरिया का लास्ट अलॉटमेंट थी, लास्ट सेंटर बचा था 16, सो हम बड़े अपॉर्चुनेट हैं कि हमें ये 16वीं जो है, जो सेंटर जो है, वो हमें दिया गया है HPCA द्वारा। तो हम बहुत थैंकफुल हैं और वी आर वेरी प्राउड कि हम HPCA का एक पार्ट बन रहे हैं। ये खेलें जो होती हैं, ये बच्चों को व्यस्त रखने का एक ज़रिया है। बिकॉज़ आजकल बच्चों का जितना डोमिनेंस हो गया है सोशल मीडिया के ऊपर, मोबाइल हो गए या TV हो गया, तो ये जो है बच्चों को उससे हटाने का एक माध्यम है। और हटाने का उससे क्या फ़ायदा है कि खेलों में बच्चे फिज़िकली भी फिट होंगे और आगे उनको लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी, क्योंकि आपको पता है खेलों से बच्चों को कितनी सारी आगे अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, तो उसका उनको पूरा पूरा फ़ायदा मिलता है। तो ये नशे से और इन सारी चीज़ों से दूर रखने का एक बहुत बढ़िया ज़रिया है खेलों में बच्चों को व्यस्त रखने का। थैंक यू जी। आज का कार्यक्रम यहाँ पे जो एंजल पब्लिक स्कूल है वहाँ पे हमारी जिला की 16वीं और हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की 54th जो क्रिकेट एकेडमी है उसकी आज ओपनिंग करी गई है जी। और इसका मोटिव है कि हमने पूरे हिमाचल में 70 के करीब एकेडमी खोलनी है, और कांगड़ा जिला को जो 16 एकेडमी अलॉट हुई थी उसमें से ये जो लास्ट एकेडमी है इस स्कूल को दे दी गई है। इसके बाद हमारे कांगड़ा का जो कोटा है वो ख़त्म है। तो सर इसमें स्कूल और आउटसाइड दोनों कोई भी भाग ले सकता है, ओपन है सबके लिए। इसमें 10 से 16 साल के बच्चे ही इसमें भाग ले सकेंगे, जो भी प्रैक्टिस करने आएंगे 10 से 16 साल के बीच में हो, चाहे वो स्कूल के हों, चाहे स्कूल के बाहर के हों, उसमें चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, दोनों ही एकेडमी में आ सकते हैं। संदेश यही है कि यहाँ पर एकेडमी में आके अच्छी क्रिकेट खेलें, अपने स्कूल का, अपने सेंटर का और अपने इलाके का नाम प्रदेश में और देश में ऊपर लेके जाएं, और इस इलाके के लिए और भी युवा जो हैं क्रिकेट से जुड़े। सबसे पहले मैं अपने सभी पत्रकार बंधुओं का, अपने और अपने HPCA की और एंजल स्कूल की तरफ से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर आज हमारे स्कूल में आए हैं और HPCA के जो भी कार्यक्रम है उसको छूट कर, इसलिए मैं सभी अपने बंधुओं का धन्यवाद करता हूं। जानकारी लिए मैं बताना चाहता हूं कि HPCA की कांगड़ा की लास्ट एकेडमी थी जो एंजल स्कूल को मिली है,
ये हमारे बच्चों का बड़ा ही सौभाग्य है, हमारे स्कूल का सौभाग्य है, हमारे इलाके का सौभाग्य है कि ये लास्ट अकेडमी हमारे एंजल स्कूल को मिली है। इसलिए हम यहाँ पर सभी कोच साथ में मेरे कोच खड़े हैं, हमारे स्कूल के मेन जो खड़े हैं उनके सामने ये पब्लिक को बताना चाहते हैं कि हम कड़ी दिन रात मेहनत करके यहाँ के बच्चों युवाओं को आगे भेजेंगे, अच्छा सिखाएंगे उनको और अपने इलाके का अपने एंजल स्कूल का नाम ऊंचा करने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी बंधुओं का, पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करता हूँ। जय श्री राम। युवाओं का मेरा ये संदेश है कि पढ़ने के साथ गेम बहुत जरूरी है, गेम खेलेंगे तो बच्चे नशे से दूर रहेंगे। बच्चा बिजी है वो नशे में नहीं जा सकता है और गेम के साथ साथ पढ़ना भी जरूरी है और HPC का ये एक बहुत अच्छा माध्यम है, इससे आजकल के नौजवान बच्चों के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है। अगर अच्छा खेलेंगे वो आगे जाएंगे, जीवन जीवन के साथ आयरन मनी होती है, आपको पता है मेन मोटिव होता है इंसान का पढ़ाई के साथ गेम खेलना और सेकंड मनी, तो HPC का ये बहुत ही अच्छा साधन है इससे कि हमारे युवा बच्चे नशे दूर रहेंगे और आगे बढ़कर अपने देश का नाम ऊंचा करेंगे, अपने हिमाचल का नाम ऊंचा करेंगे, अपने इलाके का नाम ऊंचा करेंगे। तो मैं सभी बच्चों को चाहिए फिर से एक दोबारा करता हूँ कि पढ़ने साथ गेम खेलना बहुत जरूरी है। जी धन्यवाद सर, कामनाएं। धन्यवाद जी। क्या संदेश रहेगा आपकी तरफ से? संदेश सभी बच्चों के लिए यही रहेगा कि खेलो, अच्छे से खेलो और मेहनत करो और अपने घर का नाम रोशन करो, अपने देश का नाम रोशन करो और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो यहाँ आके। ठीक, शुक्रिया।